अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। व्हाट्सएप से कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप का कितना डेटा पड़ा है, कितना डेटा मौजूद है। जो हमारे व्हाट्सएप का डेटा होता है, जो हमारे मोबाइल में कितना व्हाट्सएप का डेटा पड़ा है, दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छी अच्छी वीडियो डेली मिलती रहे। वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। वीडियो को दोस्तों मुकम्मल वॉच करना और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आपने क्या करना है, जहाँ पे ये ऑप्शन टच करना है, ये तीन नुक्ते लगे हुए हैं इस पर टच करना है। तो उसके बाद आपने सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आपने कुछ भी नहीं करना, किसी को ऑप्शन को आपने नहीं टच करना है। जहाँ पर डेटा एंड स्ट्रॉन्ग यूजिंग, जहाँ पर आपने टच करना है, ठीक है। देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप फोटो देखना चाहते हो, सॉरी, तो अगर देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पे हम जाते हैं, यूजिंग यहाँ पे जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका जो इंटरनेट है, एमबी इंटरनेट नेटवर्क कितना यूज़ हुआ है, तो आपको ये भी बताऊंगा, हर नंबर का बताऊंगा, हर नंबर पे हर कॉन्टैक्ट का बताऊंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कॉन्टैक्ट मेरे पास हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग यूजिंग डेटा दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 43 MB का डेटा है मेरा इस नंबर पर, ये ऊपर वाला 42 MB का डेटा इसमें मौजूद है, ठीक है। जो डेटा सेंड किया था, जो इस नंबर वाले ने सेंड किया, वो ही बताएगा। जो मैंने सेंड किया वो नहीं, जो कोई आदमी हमें सेंड करता है व्हाट्सएप पे, कोई पिक्चर, कोई वीडियो शीडियो, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो डेटा शो होता है व्हाट्सएप पे। यहाँ पे देख सकते हैं इस आदमी ने 26 MB का डेटा मुझे सेंड किया है, 26 MB का। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसने क्या क्या सेंड किया है। जो मौजूद है मेमोरी में, मेरे मोबाइल की मेमोरी में, वो ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो सेंड किया है इसने, और आगे मैं देखा जाता हूँ। यहाँ पे ये फ़ोटो सेंड किया है, तो उसके बाद ये वीडियो तो मैंने सेंड किया है, तो यहाँ पे ये वीडियो सेंड किया है छोटी छोटी, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरे पास डेटा पड़ा है वही डेटा शो हो रहा है मेरी मेमोरी में, जो पड़ा है डेटा। व्हाट्सएप पे अगर वीडियो डिलीट कर दे, कोई तस्वीर डिलीट कर दे, तो शो नहीं होती है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये भी जिस आदमी ने भेजे, जो अगर कोई आदमी आपको भेजेगा तो वो डेटा आपका शो हो जाएगा जहाँ पे, ठीक है। कोई आदमी अगर कोई चीज़ भी भेजेगा तो वो डेटा शो होता रहेगा कि कितना डेटा मौजूद है, कितनी MB का। तो उसके बाद नेटवर्क मैं आपको दिखा देता हूँ नेटवर्क की यूजिंग, तो देख सकते हैं 2GB मतलब डेटा हमारा यूज़ हुआ है। देख सकते हैं जहाँ पे मीडिया, जहाँ पे जैसे कॉल है, जहाँ पे देख मैसेज है, जहाँ पे देख सकते हैं गूगल है, जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 2GB टोटल डेटा यूजिंग हुआ है हमारा। देख सकते हैं अगर आप रिसेट कर सकते हैं, रुका भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने मोबाइल का डेटा चेक कर सकते हैं कि हमारे जो मेमोरी कार्ड में कितना डेटा है व्हाट्सएप का, आप आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी, आपको यही समझाने वाला था कि व्हाट्सएप का डेटा कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी मेमोरी, मोबाइल की मेमोरी में कितना डेटा व्हाट्सएप का पड़ा है। दोस्तों आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक करना। अगली वीडियो मिलेगी, अल्लाह हाफिज़।